जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इंडियन रेलवे हमेशा पैसेंजर के सुविधा के लिए कुछ न कुछ करती रहती है, जिसमें नई ट्रेन चलाना हुआ या फिर दोहरीकरण का काम। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर के बीच हो रही दोहरीकरण के बारे में कि कहां तक इसमें काम हुआ है। और इसी बीच एक खबर निकल कर आई है, बगहा और वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण का काम कम्प्लीट हो गया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे के बगहा और वाल्मीकि नगर के बीच दूसरी रेल लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है। शुक्रवार को CRS सुमोए मित्र और DRM विनय श्रीवास्तव 10 किलोमीटर इस लंबे रेल लाइन का निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि अब इस रेलवे लाइन पर शनिवार से परिचालन शुरू हो जाएगा। दोहरीकरण का सफल परीक्षण के बाद DRM विनय श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर में भी इंटरलॉकिंग चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाया गया। DRM विनय श्रीवास्तव ने बताया, बगहा और वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन के बीच करीब 10 किलोमीटर दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। DRM ने बताया कि अब दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेनें 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई गई। उन्होंने कहा कि जो भी काम पूरा नहीं हुआ या कुछ कमियां रह गई है, उसे भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। DRM ने बताया कि शुक्रवार को सफल परिचालन का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। अब मैं आपको बता दूं, नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर दोहरीकरण का काम कहां तक पहुंचा हुआ है। नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर तक रेल दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हरिनगर से भैरवगंज, भैरवगंज से खरपोखरा और बगहा से वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। DRM ने बताया कि शनिवार से इस ट्रैक पर रेल परिचालन भी शुरू हो जाएगा। DRM ने बताया कि बगहा स्टेशन पर नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नई तकनीकी से जोड़ा गया है। अब नई तकनीक से सभी संपार फाटकों को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जहां सभी फाटके पहले मैनुअल हुआ करते थे, अब उनका संचालन इलेक्ट्रिक स्विच द्वारा किया जाए। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे एक तरफ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को अपने देश में लगातार दौड़ाने में लगी हुई है, साथ में और ट्रैकों को मजबूत करने के भी काम इंडियन रेलवे कर रही है। साथ ही जो फाटक लगे हुए हैं, उस पर जो मैनुअल, जहां आदमी रहकर उस फाटक को बंद किया करते थे, अब उसको भी ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानियां, हाई स्पीड ट्रेनें आए तो किसी भी प्रकार की परेशानियां सामने न आए। ये सभी काम वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज के बीच जो भी काम हुआ है, उसका मैंने आपको जानकारी दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर नरकटियागंज से आगे तक की जानकारी दूंगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।